अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज है रमज़ान का जुम्मा जो कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप लोग के घरों में रमज़ान के जुम्मों का क्या एहतमाम होता है? नॉर्मली डेज में भी ईद की तरह मनाया जाता है, लेकिन रमज़ान में कुछ स्पेशल हो जाता है। नए कपड़े पहनते हैं और एहतमाम होता है, इफ्तारी का ज़्यादा एहतमाम होता है। तो आप लोग घर में कैसा एहतमाम होता है जुम्मे का, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो भाई आज का सीन जो कुछ है ना, आज मैंने ये प्लान किया है कि रमज़ान का जुम्मा है, नए कपड़े पहनेंगे, नमाज वगैरह अदा करेंगे और मेरे घर वालों के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया जिसके बारे में मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया, यानी कि मुमताज़ को भी नहीं, मम्मी को भी नहीं, किसी को भी नहीं बताया। तो पहले बाहर चलते हैं और मैं अभी आपको अपना वार्डरोब भी दिखाती हूँ कि मैंने आज के लिए अपना क्या वार्डरोब चूज़ किया है। पहले बाहर चलते हैं, मम्मी से बात करते हैं और मुमताज़ वर्दा को पूछते हैं कि और उनको बताते हैं कि भाई एक सरप्राइज है। तो अगर वो मना भी करेंगे तो उनको जाना चाहिए क्योंकि मैं सारी अरेंजमेंट जो है ना वो पहले ही कर चुकी हूं। तो पहले बाहर चलते हैं, लेट्स गो। तो जनाब मैं कमरे से अभी घूमती फिरती इधर को आई हूँ और मुमताज़ साहब, मुमताज़ जुम्मा है, नमाज पढ़ता है बंदा, कोई नए कपड़े पहनता है, रमजान का जुम्मा है और नए कपड़े पहन के चेंज भी कर लिए। वर्दा तुमने भी नए कपड़े नहीं पहने, मासी वाले हुलिया बना के बैठी है, ये देखे अलविदा जुम्मे पे पहनेंगे। मतलब ये कहाँ लिखा है कि अलविदा जुम्मे के ऊपर ही पहना जाता है सिर्फ? तुम्हें पता नहीं जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मम्मी हमें नए कपड़े पहनाती थी और जुम्मे का इतना ईद का एहतमाम करती थी। किस तरह के लोग हो यार तुम लोग, बड़े हो गए उसका मतलब सब कुछ भूल गए हो, तुम्हारी शक्लों पर लाना था। ऐसे लोग ही बाकी शक्लों के ऊपर लाला नहीं देने चाहिए। मैंने नया सूट पहनूंगी, अभी मैंने निकाल के भी रखा है, अभी पहनूंगी। अच्छा मेरे पास है तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है, मुमताज़ सरप्राइज है, लेकिन उसके लिए तुम लोग को क्या करना है कि तैयार होना है अच्छा सा, उसके बाद मुझे बताना है कि हम तैयार हो गए नमाज वमाज पढ़ के, कुरान वगैरह पढ़ के, फिर मैं बताऊंगी कि क्या सरप्राइज है। बताओगी तो दोस्त के साथ बनाऊंगी। नहीं पहले तैयार होगी साफ सुथरा। ये देखो कितनी अच्छी वीडियो है, ये देखो ये कौन है, उसके साथ बनाऊंगी। ठीक है शानसे के साथ? नहीं माम के साथ। लेकिन तुमने देखा कल शानसे ने क्या कमेंट किया था मुमताज़? उसने बोला एक आमचोर, उसने पता नहीं क्या लिखा था, वो कमेंट यहाँ पे मैं अगर पिन कर दूंगी तो पिन कर दूंगी। उसने लिखा था कि यार मैं इससे ज्यादा काम करती हूँ, शांति तुमने मेरी हर वीडियो के ऊपर कमेंट करता है। हाँ उसने कमेंट किया था। उसकी अम्मी क्या बोल रही थी, कोई काम नहीं करती, मोबाइल में पड़ी रहती है, अब करने लगी है। चलो करती तो है ना, तुम्हारी इतना सांड तो नहीं पड़ी रहती हर वक्त। मोए 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 मोए। अच्छा यार टाइम नहीं है हमारे पास, ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो रहा है, नमाज वमाज भी पढ़नी है, भी तैयार भी होना है। तुम लोगों को अगर सरप्राइज पता करना है तुम लोगों को पहले तैयार होना है, फिर मुझे बताना है, तैयार होने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी क्या सरप्राइज है। डन? तो बताओ तो उस हिसाब से तैयार होना। नहीं बस तुमने कैजुअली अच्छा सा तैयार होना है, जुम्मे का तमाम करना है। जुम्मे को कैसे तैयार होते हैं ऐसे कपड़े? यूं नए कपड़े पहनते हो ना, तो चलो पहनो। गाइज इन लोगों को मैंने बता दिया, इनको मैंने वैसा नहीं बताया कि क्या सरप्राइज है, लेकिन बता दिया कि भाई सरप्राइज है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। अब चलते हैं मम्मा के पास। तो गई गाइज मम्मा जो है ये यहाँ पे माशाल्लाह कुरान पाक ख़त्म करी। मम्मा आपके कितने कुरान पाक हो गए? दूसरा चल रहा है माशाल्लाह और दूसरे का अभी 15वां सिपारा है। तो मम्मा सूरह काहफ़ पढ़ रही है। अच्छा मम्मा को भी मैं बता दूँ क्योंकि अभी जो चीज़ मैंने प्लान की हुई ना वो मैंने किसी को भी नहीं बताई है। मामा आज ना आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि उसके लिए मतलब आपने जो ना अच्छा सा तैयार होना है और फिर मुझे बताना है। मैंने वर्दा और मुमताज़ को भी ये बोला कि अच्छा सा तैयार होना है, उसके बाद तुमने मुझे बताना है, मैं फिर बताऊंगी क्या सरप्राइज है। क्या मतलब अच्छा सा तैयार होना है? घर में नहीं मतलब तैयार होना है कैजुअली, जो हम जुम्मे का तमाम करते हैं उसी तरह से तैयार होना है और फिर मुझे बताना है। ठीक है यानी कि कपड़े पहनने अच्छे से, ये करना। ठीक है डन। तो गाइस मम्मा ने भी डन कर दिया और अभी तक किसी को भी नहीं पता कि क्या सरप्राइज है। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने आज का अपना वार्डरोब क्या सिलेक्ट किया है, आइए दिखाती हूँ। तो गाइज ये है मेरा आज का वार्डरोब जो कि मैंने आज पहनना है और इसको पहन के हम तैयार होंगे, नमाज वमाज पढ़ेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे बाद में। तो मेरे साथ रहिए और सरप्राइज अगर जानना है तो फिर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को देखते रहना है, आप लोगों को पता चलने वाला है। और सिला बतूल तो मिस ही हो गई, सिला बतूल आपने क्या करना है, सुने मेरी बात, अच्छा सा तैयार होना है, कमीज शलवार पहनना है क्योंकि आज फ्राइडे है। फ्राइडे को बच्चे क्या पहनते हैं? गुड डन। ठीक है गाइस तो सब लोग को मैंने बता दिया लेकिन सरप्राइज क्या है वो अभी रिवील करना बाकी है। ठीक है पहले तैयार होते हैं, नमाज अदा करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, सूरह काहफ पढ़ते हैं, उसके बाद वापस आते हैं।
तुम लोग तैयार नहीं हुए हो, तुम लोगों को मैंने सरप्राइज दिया था। आप लोग को होना था ना तैयार, तो क्या हम लोगों ने तुम्हारा रास्ता रोका हुआ है? तो मैं तो गई भी थी, आप लोग तो हो जाते तैयार। मैं तो तैयार हूँ, ये देखो, देखिए गाइस मैं तो तैयार हूँ। मम्मी आप लोग अभी तक तैयार ही नहीं हुए, और एक वो जो दूसरी महारानी है वो तो पता नहीं अभी तक किधर। यार मेरे घर वाले तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब भी उन लोगों को कोई बात बोलो ना कि हमने कहीं जाना है या हमने कोई घर में कुछ काम करना है, तो बस यही है कि पूरे मेहमान घर में आ जाते हैं, लेकिन हमारे घर वाले ना एंड टाइम पर वेलकम नहीं करते कोई भी चीज़। ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे ऐसे ही गुस्सा आता है ना। फिर आप देखो जहाँ पे सरप्राइज देना था वो सरप्राइज का जो टाइम है ना वो 6 बजे का, और अभी तक कुछ नहीं पता आता इन लोगों को। यार क्या हो गया, मुंतहा अभी गायब है, पता नहीं कहाँ है मुंतहा। अभी तैयार हो चुके मम्मा? अच्छा तैयार हो गए हम, अब तो बता दो क्या सरप्राइज। मम्मा आप भी सरप्राइज जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल। और आप भी सरप्राइज जानना चाहते हैं? वैसे सरप्राइज मैं बताऊँ, हो सकता है किसी के घर दावत। हमें कौन बुलाएगा, कौन बुलाएगा हमें? हमें कोई नहीं बुलाता भाई, हमें कोई नहीं बुलाता। हम लोगों को बुला लेते हैं, हमें कोई नहीं बुलाता है। अगर आप लोगों में से कोई भी मुझे देख रहा है ना, तो आप लोगों ने काम करना है, मुझे बुला लेना है दावतों पे, क्योंकि देखिए इफ्तारी का टाइम शुरू हो चुका है। आज कौन सा रोज़ा है? 18वां रोज़ा। हाँ 18वां रोज़ा ना मम्मा? तो 18वां रोज़ा हो गया, लेकिन यकीन करो किसी ने भी अभी तक हमें दावतों पे नहीं बुलाया, इफ्तार पे नहीं बुलाया। वरना तुम्हारी दोस्त ने किसी ने बुलाया? हम तो बाहर जाएंगे दोस्तों के साथ। तो भाई मेरा तो कोई दोस्त वोस्त नहीं जिस साथ में भाग जाऊँ, तो मैंने सोचा था कि मैं फैमिली के साथ जाऊंगी। तो भाई सरप्राइज ये है कि अब आप करा लो एक अदद गाड़ी, क्योंकि हमारी तो गाड़ी फिलहाल है नहीं, तो एक गाड़ी आप करा लो और फिर मैं आपको वहां ले जाके बताऊंगी कि सरप्राइज क्या है। अभी भी सस्पेंस है। तो गाइज आप लोग भी जानना चाह रहे हो ना कि क्या सरप्राइज है, क्या गंदी चीजें खा रही हो आप? बतुल बेटा क्या गंदी चीजें खा रही है? ये गंदी चीजें मुझे पसंद नहीं आती हैं। आती हैं आपको पसंद? अपना फोटो सेशन बंद कर दो, गाड़ी करा रहो, टाइम नहीं है हमारे पास, ये ना हो कि हमारी एंट्री ना हो। अच्छा मैंने अभी तक इतनी सारी हिंट दे दी है इन लोगों को, लेकिन इन लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि आखिर चीज क्या हो रही है। तुम्हें पता चला क्या चीज हो रही है? नहीं पता चला ना। तो भाई गाड़ी कराते हैं, वहां चलते हैं, उसके बाद हम रिवील करते हैं कि क्या सरप्राइज है। हम लोग निकल चुके हैं बाहर, और अभी भी सरप्राइज में अपने घर वालों को नहीं रिवील किया है, अभी इन लोगों को जाके ही पता चलेगा कि क्या सरप्राइज है। कौन कौन निकल चुका है बाहर? वर्दा आ गई, सिलेबस भी तैयार हो गया, मम्मा पीछे आ रही है। अब हमने जो गाड़ी कराई है ना, हम लोग जा रहे हैं नीचे, उसके बाद हम आपको वहाँ पे हाँ रक्षा जो करवाया है ना, तो जो रक्षा कराया है ना, अब हम लोग आपको वहाँ जाके मिलते हैं, और फिर मैं अपना सरप्राइज वहाँ जाके रिवील करती हूँ। वर्दा तुम तो रक्षा बोली, तुमने रक्षा कराई या तो गाड़ी करवाई है? सरप्राइज दे रहे ना, मैं आपको सरप्राइज। हम लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में, और वहाँ चल के आप लोग बता दें। मम्मा आगे बैठ रही है, पीछे हम लोग बैठ रहे हैं। आप लोग मुझे सरप्राइज दे रहे हो, मैं आपको सरप्राइज। वाकई सरप्राइज पे सरप्राइज हो गया। अच्छा मैं रक्षा ढूंढ रही थी जैसे, क्योंकि इसने बोला कि रक्षा करवाया है, लेकिन रक्षा नहीं कराया, गाड़ी बहुत देर से खड़ी है, गाड़ी तो मैं नीचे ही खड़ी हुई थी। चले गए सफर की दुआ पढ़ते हैं, सफर की दुआ पढ़ ले सारे, और फिर हम लोग गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के ऊपर, और मेरे घर वालों ने अब यहाँ पे आके उन लोगों को पता चला है कि सरप्राइज क्या है। तो भाई आप लोगों को सरप्राइज कैसा लगा? हेलो। अच्छा तो ये था आपका सरप्राइज जी? मुझे पहले से पता था हम जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कैसे जाएंगे। भाई मैंने जो है रिजर्वेशन कराई थी, तो हम लोग आए हैं इफ्तार बुफे करने के लिए, तो हमारा जो कॉल टाइम है वो 6:15 का, और हम लोग जा रहे हैं, हम रिजर्वेशन चेक करेंगे उसके बाद जाएंगे। सिर्फ 4 मिनट रह गए रोजा खुलने में? अरे नहीं 15 होने में 4 मिनट। तो चलो भाई चलते रिसेप्शन पे अपनी। तो हम लोग पहुँच चुके इफ्तारी पे, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। अब मैंने लोगों को बोला है कि मैं वर्दा बोला है कि मैं ना एक चैलेंज दे रही हूँ वर्दा को और मुंतहा को। तो क्या वो चैलेंज तुम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? कौन सा चैलेंज? पहले बताएं। दोनों के लिए चैलेंज ये है कि तुम दोनों ने जो है ना जितनी भी डिशेस है ना मैक्सिमम खानी है। अरे बताओ चैलेंज एक्सेप्ट किया नहीं किया? तुम दोनों ने खानी है मैक्सिमम डिशेस, लेकिन तुम लोगों ने थकना नहीं। मतलब लोगों का क्या होता है कि थोड़ी सी खाते हैं बोलते हैं यार पेट भर गया, इतनी सारी डिशेस देख के वैसे ही बंदे का ना दिल भर जाता है। हाँ, तो क्या कहते हो? एक्साइटेड है? मैं सब लोग की मम्मी ठीक है, मैंने इनको चैलेंज दिया था, इन दोनों ने मैक्सिमम डिशेस खानी है और फिर इनके पेट खराब हो, इनको मोशन लगे। और जो मैं नहीं खाती वो तो मैं नहीं खा सकती ना। हाँ लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं कह रही कि तुम नहीं, लेकिन तुम्हें मैक्सिमम डिशेस खानी जो तुम खा सकती हो ना।
तो गाइस आज का चैलेंज ऐसी नहीं खाऊंगी। तो क्या खाओगी तुम? भाई देखो मेन्यू में जो है तुम लोग को वही खाना है। तो गाइस ये इन दोनों का चैलेंज है। तो टोटल 50 डिशेज हैं। भाई देखो सारी 50 डिशेज तो बंदा ऐसे भी नहीं खा सकता ना। तो चैलेंज बस मैंने तुम दोनों को बता दिया है और इफ्तारी के बाद तुम लोगों ने जो है ना बस जैसे वो वलीमे का खाना खुलता है ना शौकत वाला शफी के बाद रोटी दो तुम लोगों ने वो काम करना है। डन 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 तुम भी डन करो। तो भाई डन हो गया। अब हमारी इफ्तारी थोड़ी देर में होनी। डन दोबारा करो डन। तो भाई इफ्तारी हमारी जो है थोड़ी देर में हो रही है। अभी हम बनाएंगे देखिए ग्लास। मम्मी को टास्क के लिए बोला, मम्मी को टास्क इसलिए नहीं दिया क्योंकि मम्मी जो है ना बोलेंगी यार मुझसे खाया नहीं जा रहा। फिर मम्मी बोलेंगी मेरे पेट में ये हो गया, मेरा ये यूँ हो गया, मेरा ये यूँ हो गया। तो मैं मम्मी से ना सुनना नहीं चाह रही हूँ, इसलिए मैंने मम्मी का टास्क नहीं दिया। चलिए अच्छा आपके लिए भी टास्क, आप भी मैक्सिमम जो खा सकती हैं आपने खाना, लेकिन आपने थकना नहीं। डन, जो पसंद आता है आपने सारी चीज़ें ट्राई कर। डन ऐसे डन। तो ये मम्मी से हो गया डन। ओके गाइज अब थोड़ी देर में होगी इफ्तारी। हम लोग अपनी इफ्तारी की प्लेट्स बनाएंगे, उसके बाद हम रोज़ा खोलेंगे। रोज़े के बाद आपसे मिलते हैं और मैं आपको इफ्तारी में दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितनी डिश है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह तारी हो चुकी है हमारी, स्टार्ट हो चुकी है। भाई हमने रोज़ा खोला है सिर्फ, और यहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ डिशेज है। आप देखो ये वाला सारा खाना जो है, अभी ये दोनों चैलेंज करेंगी, ये भी दोनों आएंगी रोज़ा तारी कर, ये देखिए सामने ये भी रोज़ा अफ्तार कर रही है, उसके बाद फिर मैं इनको चैलेंज देने वाली हूँ। और वर्दा जो है मुंतहा जो है वो लेने के लिए गई है अभी। आप ये देखें कि इतने मज़े की चीज़ें हैं, फ्राइज हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं यहाँ पे और बहुत मज़े की चीज़ें हैं। तो अभी हम इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी के बाद इनसे चैलेंज करवाते हैं और फिर आप लोगों से साथ के साथ आप लोग के साथ रहते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या होने वाला है। कम खाना, अभी खाना भी खाना है। मुझे भी लगता है कि आप खाना खा पाएंगे। मम्मी मम्मी इस सारी चीज़ों के बाद खाना भी खाना है आपको? हाँ, क्योंकि मैंने मम्मी को भी चैलेंज दिया है इस वजह से। यार बहुत मज़े का मेन्यू है और बहुत मज़े का मेन्यू है, लवली। मुंतहा क्या भरा है तुमने प्लेट में दिखाओ? ये भरा है अंडे ना। अब तुमने चैलेंज पूरा करना है मुंतहा, ठीक है? बताओ तुमने क्या भरा है, सबसे कम प्लेट बना के लाई है, इसके बाद दोबारा जाओगी ना। क्या खाकर अभी और पेट फुल हो गया तो चैलेंज पूरा ही नहीं हुआ। मैं दो बार लेके आई सारा। देखो ये सारा इन्होंने खाया, ये छोड़ दिया सारा, सॉसेज ऐसी रखी है और ये देखो ये खा रही है। बंदा मुंतहा कितना रह गया? ये वो है ना वो स्प्रे वाली होती है। तुम लोगों को मैक्सिमम खाना है ये, मैक्सिमम। जल्दी दिखा के दिखाओ दोनों, जल्दी जल्दी करो। वैसे ये थी हमारी इफ्तारी। अभी जो है ना वो डिनर बाकी है, मतलब आप लोगों को पता है अभी डिनर, आप लोगों को पता है अभी डिनर भी बाकी है। खुलने की पेट में जगह नहीं है, खुलने की नखनी पड़ेगी, चैलेंज पूरा नहीं होगा ना वरना। खा रहा है डन। हाँ सीढ़ियों, हम जा रहे हैं सीढ़ियों की चक्कर मारने ताकि पेटों में ना जगह बना के रखना, क्योंकि अभी खाना भी है। सिर्फ इसी से इस्तेफादा नहीं करना आप लोगों ने। और मैंने जो है ना रजा, इन दोनों को मैंने चैलेंज दिया है कि ये मैक्सिमम खाएंगी, भले इनका पेट खराब हो या कुछ भी हो जाए, ये तो खा लेगी है ना, ये तो खा लेगी। ये तो खा लेगी, तुम्हारा नहीं पता। तो गाइस अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है और हम लोग अब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और जो खाया पिया ना उसको भी थोड़ा सा अंदर करना है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें, इधर जो था वो सारा इफ्तारी का मेन्यू लगा हुआ था, लेकिन इफ्तारी के टाइम पे यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा था तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी। ये सारा यहाँ पे इफ्तारी का मेन्यू था, अब यहाँ पे डिनर का मेन्यू लोग अरेंज करेंगे। और यहाँ पे जो था वो सारा मीठे का मेन्यू, तो मीठे में जो चीज़ पड़ी थी मैं आपको दिखा देती हूँ, उस तरह के केक्स वगैरह थे और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें थी, लेकिन बस मैं आपको दिखा नहीं सकी। अब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम डिनर करेंगे, डिनर पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर वेरिएशन मिलेंगे। चलो नमाज़ पढ़ने, चलो नमाज़ पढ़ने। डिनर का टाइम शुरू हो जाता है और वर्दा सिर्फ बस सिर्फ ये बिल्कुल हो गया, बिल्कुल ये सिर्फ इतने से डिश। मम्मी आपका चैलेंज क्या है, आपने क्या क्या लाया अपनी प्लेट में? ये सारा खा लेंगी ना आप? चलो तो भाई ये वाला मेरा है। वर्दा ये अच्छी बात नहीं है, ये चैलेंज अच्छा नहीं था वैसे। वर्दा
बिल्कुल भी जगह नहीं। इसके बदले तुम मुझे कुछ और खिलाओगी अब? अभी नहीं, अभी तो मेरे पेट में भी जगह नहीं है। मैं बस ये थोड़ा थोड़ा लाई हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खा के मैंने खत्म करना है। हाँ भाई वरदा, पेट में है जगह? नहीं है, थोड़ी देर में खाऊंगी। तुम्हारे पेट में है जगह? बहुत है अभी। तुम्हारे पेट में है जगह? तुम्हारे पेट में है? मम्मी आपके पेट में नहीं है जगह? भूखे खाएंगे इफ्तार, भूखे खाएंगे इफ्तार। भूखे वैसे इंसान का इफ्तार भूखे खा खा के जो है ना, बल्कि देख के ही उसका पेट भर जाता है। सब कुछ खाया नहीं जाता आप लोगों से। आप लोग भी इफ्तार भूखे जाके सारा खाते हैं। मैं चाहता हूँ मुझे डबल चटनी में आपने बताना भाई। खाना फिनिश करके जो है ना, हम बस यहाँ से निकलेंगे और अपने घर वालों का रिव्यू लेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे हमारे पास और क्या कुछ है करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया हमारा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये दूसरा एक्सपीरियंस था। अब मैं अपनी फैमिली से रिव्यू लेती हूँ कि सरप्राइज़ कैसा लगा। सबसे पहले कौन रिव्यू देगा भाई? खाना ग्रेवी में जो आया ना, उससे लेती पहले रिव्यू। भाई इतना खाना खा लिया है कि अब बोलने की सकत नहीं है। लेकिन आपने चैलेंज किया था, चैलेंज से ज़्यादा खा लिया है। चलो ग्रेवी वाले तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा ना? बर्थडे से ज़्यादा अच्छा था ना, क्योंकि बर्थडे में हमने सिलेक्टेड आइटम्स खाए थे पहले। हाँ अच्छा, अब तुम तुम लोग बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुंतहा बस करो, इतनी जगह है। अब तुम दोनों ये बताओ, चैलेंज में हारी हो या जीती हो? ईमानदारी से बताओ। मैं तो जीती। और तुम? मैंने खाने में कुछ नहीं खाया, मैंने इफ्तारी में जीती, खाने में नहीं। इफ्तारी में जीती, खाने में नहीं जीती। मैं ओवरऑल सब में जीती हूँ। चलो गाइस, तो ये था हमारा व्लॉग। होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना होता, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, वीडियो के नीचे कमेंट करना होता है। आप लोग भी आए महाराजा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत मज़ा आया। हाँ लेकिन आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। ये बुकिंग में जो ना, मैंने बड़ी रिसोर्सेज लगा के की है। तो दुआ में याद रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नहीं, मेरा ऐसा कोई कोड नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।